में माशरे और समाज के अंदर जो लोग जो है वो गुर्बत की और मुफलसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप उनके साथ शाना बिश सिर्फ मजहब के नाम पे लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। मैं OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम सुना होगा, मैं तो ये उनसे पूछना चाह रहा हूं भाई, अगर आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हो तो फिर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे मुसलमान रह रहे हैं पूरे दुनिया में, पहले मलेशिया उसके बाद हिंदुस्तान, और फिर OIC में हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए तब ये इंसाफ होगा, वरना ये इंसाफ नहीं है, वरना ये मुसलमानों के साथ धोखा है। जिस तरीके से तमाम आलम इस्लाम OIC में बैठते हैं, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कहां होती है, और OIC को हिंदुस्तान के मुसलमानों के वो हकूक देने चाहिए, उनको वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे, सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब सिडनी में जाने की क्या है जरूरत, जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।